दोस्तों यहाँ पे मैंने दो एंड्रॉइड फोन ले रखा है। आप सोच रहे हो कि आखिर मैंने दो एंड्रॉइड फोन क्यों लिया है, तो वीडियो आप कंटिन्यू देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं पहले फोन को लॉक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले एंड्रॉइड फोन में यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस वाले एंड्रॉइड फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे बैक साइड में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो यानी कि एक एंड्रॉइड फोन में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है एंड दूसरे वाले में आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है। तो जिस एंड्रॉइड फोन में आपको फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले नहीं है, उसमें भी आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो। जी हां फ्रेंड्स, ऐसा ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता, जैसे कि सैमसंग का ये डिवाइस है, इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहां पे मैं लाइव आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज करके दिखाने वाला हूं इस एंड्रॉइड फोन के अंदर। तो अगर आप भी अपने फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। बस इतना सा काम आप लोगों को कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग में जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, बैक साइड में इसका फिंगरप्रिंट है और यहाँ पे हम इन डिस्प्ले यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली पहले सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन जैसे आप लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रीन लॉक टाइप, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड डाल लेना। जो आपने पासवर्ड यहाँ पे डाल रखा है वो क्या करना है, आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो पासवर्ड, पिन, पैटर्न और यहाँ पे फेस, चारों यहाँ पे तीनों जो पासवर्ड होते हैं ना, यहाँ पे सेट कर देना है। एक तो पिन और यहाँ पे क्या करना है, पिन भी सेट कर देना है, फेस लॉक भी सेट कर देना है और पैटर्न भी, ये तीन लॉक आपको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद सेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, बैक कर लेना है। आपने तीनों लॉक सेट कर दिया है, उसके बाद बैक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्क्रीन पे होल्ड करके रखना है। स्क्रीन पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पे थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप थीम्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है। सिंपली अपने गूगल क्रोम में जाकर के यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रियलमी लेजेसी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने सर्च कर रखा है, वो थीम्स आपको सर्च करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, थीम्स को डाउनलोड करने के बाद जैसे आप ओपन करोगे थीम्स को, आपको क्या करना है, सिंपली जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपने डाउनलोड कर रखा है, उसके बाद आपको इसे सिर्फ लॉक स्क्रीन पे सेट करना है। जैसे आप लॉक स्क्रीन पे सेट करोगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन आपको लॉक स्क्रीन पे सेट कर लेना है। जैसे आप लॉक स्क्रीन पे आप इसे सेट कर लेते हो ना, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे मैं फोन को लॉक करता हूँ। जैसे लॉक स्क्रीन पे सेट करने के बाद हम यहाँ पे लॉक ओपन करते तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपका ये फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगा, आपको लगेगा कि आपका फिंगरप्रिंट वर्क करेगा, लेकिन जैसे आप फिंगरप्रिंट पे टच करोगे, आपका यहाँ पे जो फेस लॉक है ना वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं फोन को करता हूँ लॉक और यहाँ पे फिंगरप्रिंट को टच करता हूँ और यहाँ पे आप देखना मेरा फेस लॉक ओपन हो जाएगा। फेस लॉक से क्या होगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली टच करके रखोगे और यहाँ पे आपके फेस लॉक से ओपन होगा, आपका जो पासवर्ड है ना आपके फेस लॉक से ओपन होगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा और आपका यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क करने लगेगा। सब सोचेंगे हाँ यार, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट से ही इसका फोन अनलॉक हुआ है, क्योंकि दूसरा कोई लेकर के टच करेगा तो ओपन नहीं होगा, वाइब्रेट होगा बट ओपन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप अपने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का मजा ले सकते हो। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक, कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनती, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।